मैं गुलबर्गा शहर के आवाम को एक खुशखबरी देना चाह रहा हूँ। आम आदमी पार्टी गुलबर्गा सिटी में गुलबर्गा सिटी ऑफिस गुलबर्गा शहर के मुस्लिम चौक में अबरार फर्नीचर के सामने मुस्लिम चौक से गंज को जाने वाली रोड पे मुस्लिम चौक से सिर्फ 100 फीट दूर पर यह ऑफिस जो है ना मुकीम है। यहाँ पर हमने गुलबर्गा शहर और गुलबर्गा नॉर्थ के फंक्शनिंग के लिए काम करने के लिए ये ऑफिस खोले हैं। ये ऑफिस अभी फंक्शनिंग के लिए तैयार है और इसका इनॉग्रेशन स्टेट टीम के ज़रिए कुछ अरसे के बाद होगा। उसकी इत्तला और उसकी तारीख टाइम हम आपको बताएंगे। उसके बाद हमारा यहाँ पर मकसद ये है कि आम आदमी पार्टी गुलबर्गा शहर में हर मोहल्ले में हर घर तक पहुँच चुकी है और बहुत आवाम का बहुत अच्छा रिस्पांस है। आवाम ने दिल्ली मॉडल देखा है, दिल्ली मॉडल को समझा है, जहाँ पर दिल्ली में खातून को हर महीना 1000 पेंशन मिल रहा है। आम आदमी पार्टी अगर कर्नाटका में आई गुलबर्गा में लाएंगे आप तो हम हर महीना हर हमारे बहन को यानी एक घर में एक खातून हो या चार हो या पांच हो कितने भी हो हर एक को 1000 रुपये महाना पेंशन मिलेगा। उसके बाद करंट 300 यूनिट तक दिल्ली में 200 यूनिट दे रहे हैं, पंजाब में 300 दे रहे हैं, हम यहाँ गुलबर्गा में या और कर्नाटका में हर मकान को गरीब हो अमीर हो मिडिल क्लास हो हर एक को जो है ना 300 यूनिट तक बिजली फ्री मिलेगी जिसकी बचत आपको 1500 से 2000 हर महीना होगी। और फ्री स्कूल बनेंगे जैसे दिल्ली में दुनियाई मेयार के स्कूल जहाँ पर दुनिया में अमेरिका फ्रांस फॉरेन में जो स्कूल हैं उससे भी बेहतरीन स्कूल हमारे दिल्ली में चल रहे हैं वही मॉडल स्कूल जो है ना गुलबर्गा शहर में भी खुलेंगे, गुलबर्गा नॉर्थ में खुलेंगे। और पानी की बात आई, यहाँ थोड़ी मैं तफसील से बात करना चाहता हूँ। पानी तो इतना गंदा है गुलबर्गा शहर में, पानी के लिए गुलबर्गा में हाहाकार मचा है। तो एक ताजुब की बात है और हंसी की बात भी है, कांग्रेस पार्टी ने गुलबर्गा में नॉर्थ में हो या साउथ में हो या गुलबर्गा में हमेशा जो है ना हुकूमत की है 75% अरसे में। 1982 में जो ये भीमा की पाइपलाइन और बैरेज चालू हुआ है जब से लेकर अब तक गंदा पानी गुलबर्गा के शहरी पी रहे हैं। क्या आपको मालूम नहीं था इतना बड़ा एहतजाज करते हैं कॉरपोरेशन के सामने, क्या आप क्या करें इतने दिन कहाँ थे क्यों नहीं करें? अरे मजाक करें आप, मजाक समझ रहे हैं आप। और वो एहतजाज करने वालों को नॉर्थ के और साउथ के MLA से मैं गुजारिश करता हूं और उनसे कहता हूं आप लाख कोशिश करो गुलबर्गा शहर को, ये मेरा चैलेंज है, गुलबर्गा शहर को साफ पानी दे नहीं सकते। कब तक? जब तक के भीमा का बैरेज शिफ्ट नहीं करेंगे तब तक LNT होंगे या LNT के और 10 LNT आंदे साफ पानी नहीं पिला सकते, क्योंकि उस पानी में गंदगी मिली है तो फिल्टर कहाँ का होगा? वो हर चीज़ पानी इतना थिक है इतना मोटा है वो फिल्टर होने के काबिल भी नहीं। हर बार आप मीडिया बोले तो ये जो सैंड विंड रहती है ना पत्थर सैंड कंकर ये मिला के जो फिल्टर में यूज़ करते हैं वो 4 साल को एक बार भी आप बदलाएंगे तो फिल्टर नहीं कर सकते वो पानी को। आम आदमी पार्टी तैयार है सबको साफ पानी देने के लिए तैयार है, भीमा का बैरेज शिफ्ट करने के लिए तैयार है। हम जो है ना हर सहूलत आवाम को पहुंचाएंगे गुलबर्गा में। तो मैं अवाम से अपील करता हूं गुलबर्गा के तमाम शहरियों से आइए आम आदमी पार्टी से जुड़िए। आप अपने मकसद के लिए अपने फ़ायदे के लिए अपने सहूलत के लिए जो है ना आम आदमी पार्टी को ज्वाइन करिए। आम आदमी पार्टी के ऑफिस
सुबह 10 बजे से शाम को 9 बजे तक जो है ना मुस्लिम चौक पे फंक्शनिंग में है, काम करेगी। हमारे हमेशा आप जब भी आएंगे यहाँ पर हमारे कोई ना कोई नुमाइंदे मिलेंगे आपके इस्तकबाल के लिए। आइए हमारे से हाथ जुड़ाइए, हमारे ऑफिस में आकर ज्वाइनिंग में ज्वाइन हो जाइए आम आदमी पार्टी से। इतना जय हिंद साथियों, मैं मीर मोहसिन अली ख़ान, आम आदमी पार्टी कलबुर्गी नॉर्थ प्रेसिडेंट। गुलबर्गा की पब्लिक और गुलबर्गा के सिटी की आवाम को मुबारकबाद दिया जाता है कि कलबुर्गी नॉर्थ में मुस्लिम चौक पर कलबुर्गी सिटी एंड नॉर्थ की ऑफिस स्टार्ट किया है, जॉइनिंग मेंबरशिप भी स्टार्ट हुए हैं यहाँ पर, और बहुत सारे लोग जो सिटी साउथ और नॉर्थ की जो पब्लिक है इतने टाइम से हमारा साथ दिया है, इतने प्रोग्राम और इतने इवेंट्स सक्सेसफुल हुए, उसके बाद हम यहाँ पर हमारा फंक्शनिंग यहाँ से स्टार्ट होगा पूरा सिटी का। तो ये ऑफिशियल ऑफिस है हमारी, ऑफिशियली यहाँ पर हमारा जो भी काम होगा यहाँ से ऑफिस से होगा सिटी का काम। तो जो भी आप पार्टी आम आदमी पार्टी के एक मिशन में साथ देना चाहते हैं, ये मकसद को आप साथ चलकर लेके चलना चाहते हैं, तो हम आपका वेलकम करते हैं। जो भी ज्वाइन होना चाहते हैं आम आदमी पार्टी में मॉडल के ऊपर, दिल्ली मॉडल के ऊपर, जहाँ पर हमारा एजुकेशन, हेल्थ, इलेक्ट्रिसिटी, बहुत सारे सर्विसेज है, तो मैं आपको इनवाइट करता हूँ, आम आदमी पार्टी आइए, ज्वाइन हुईजिए और ये हमारा जो मकसद है उसको पूरा करिए। जैसे कि आप लोगों ने देखा दिल्ली में जो क्रांति शुरू हुई है वो पंजाब पहुंची है, अब समय कर्नाटक की है। कर्नाटक में भी बहुत ही कम समय में बहुत ही तेज़ी से आम आदमी पार्टी बढ़ रही है। हर कर्नाटक के हर जिले के अंदर हज़ारों की संख्या में लोग जुड़ रहे हैं, युवा हो, बुज़ुर्ग हो, महिला हो, हर कोई आम आदमी के तरफ इशारा करके आम आदमी पार्टी जुड़ रहे हैं। और वो भी चाहते हैं कि पूरी कर्नाटक की जनता चाहती है दिल्ली और पंजाब की जैसी सहूलत वो हमारे कर्नाटक में भी हो, चाहे एजुकेशन में हो, हेल्थ में हो, और बहुत सारे हैं महिलाओं को जो हर महीना 1000 रुपये पेंशन दिया जा रहा है आज, और ट्रांसपोर्टेशन फ्री दिया जा रहा है, और किसानों को पर हेक्टर 50,000 मुआवजा दिया जा रहा है। ऐसे ही जो काम कर रहे हैं इसी तरह जो लोगों का है एक नॉर्मल फैमिली का, उनका 12 से 15 हज़ार बचना शुरू हो गया है आज। कैलकुलेशन करेंगे हम 5 साल का तो 9 से 10 लाख रुपए हर फैमिली का बच रहा है। तो यही कर्नाटक की जनता चाहती है वो 10 लाख हमारे भी सेव हो। तो इसी तरह जो ये मुहिम शुरू हुई है क्रांतिकारी के ऑफिस पूरे पंजाब और दिल्ली के अंदर सौ के तागाद में ऐसे ऑफिस ओपनिंग हो गए थे, इसी तरह कर्नाटक में भी सौ के तागाद में ऑफिस ओपनिंग हो जाएंगे जल्द से जल्द, और नॉर्थ के अंदर नॉर्थ ऑफिस भी ओपन होने जा रही है। इसका हम डेट तय करके बताएंगे, नॉर्थ कम सिटी ऑफिस ओपन होने जा रही है। और इस बार नॉर्थ की जनता भी तय कर चुकी है, इस बार हम आम आदमी पार्टी को यहाँ पे भी हम सत्ते में लाएंगे, जो सहूलत दिल्ली और पंजाब में लोगों को मिल रही है और बच्चों को जो एजुकेशन मिल रहा है वो हमारे बच्चों को भी मिले। तो इसीलिए नॉर्थ की जनता तय कर चुकी है हम आम आदमी पार्टी को सत्ते में लाएंगे।